नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कल एक्सपायरी को हम लोग कौन से ट्रेड्स ले सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या अप्रोच करके चलनी है। सो सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वो है IRCTC। ये स्टॉक का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है इस लेवल पे। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है कि आप अगर इस लेवल से देखेंगे तो इस लेवल से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कैंडल्स हैं वो बहुत छोटी बन रही है, साइज जूम का है वो बहुत छोटा है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और हमने क्या देखा कि एक ब्रेकआउट आया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और अगले दिन भी उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करी है। सो जो हमारी कंडीशन होती है ब्रेकआउट पे कि एक ब्रेकआउट पे कैंडल दे दे, अगले दिन उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो हम लोग बाय पोजिशन बना सकते हैं और ये ब्रेकआउट जनरली फ्री वाले फेल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि एक ब्रेकआउट इस वाली कैंडल ने दे दिया था, इसके ऊपर क्लोजिंग कर चुका है। सो कल हम लोग इस पे एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। जो भी लेवल्स होंगे एंट्री के, टारगेट या स्टॉप लॉस आप लोगों को टेलीग्राम क्या चैनल के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइनिंग का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड हो जाएगा या फिर मैं अपने कमेंट सेक्शन पे डाल दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के लिए और लेकर आ रहा हूं गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि कल हम लोगों ने जो पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखाया था एक मिनट का, जो हमारे क्लाइंट ने हमें भेजा था। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों की मदद करूं इसके थ्रू, तो जो मैं वीकली लेकर आता हूं, जो हर सैटरडे में लेकर आता हूं आप लोगों के लिए पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड की कॉल, अगर आप चाहते हैं मैं उसके साथ साथ आप लोगों की पोर्टफोलियो के लिए भी कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करूं आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि अगर आप दोनों चीजें सैटरडे को चाहते हैं, इस वीक के सैटरडे को, तो मैं दोनों चीजें आप लोगों के साथ प्रेजेंट करूंगा। बट एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन क्या होगी कि अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स आ जाते हैं गाइस। क्या मैं कंडीशन क्यों एप्लीकेबल कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि 5000 व्यूज आ जाते हैं वीडियो पे बट लाइक करने वाले सिर्फ 200-300 होते हैं। सो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आप 500 लाइक्स इस वीडियो में आ सकते हैं सो मैं आप लोगों के लिए सैटरडे संडे आप लोगों की भी मदद करूंगा, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो पर्टिकुलर है GIC हाउसिंग फाइनेंस। सबसे पहले हम लोगों ने बात कर लिया IRCTC के बारे में, अब आते हैं GIC हाउसिंग फाइनेंस पे। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप देख सकते हैं जो रेंज चल रही है, इस रेंज पे क्या हो रहा था, हम देखते थे जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता था तो ये कंडीशन एक फुलफिल नहीं होती थी। वो क्या थी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, ब्रेकआउट एंड सस्टेन, ठीक है। यहां पर भी वही हुआ और यहां पर भी वही हुआ, ये देख सकते हैं एक ब्रेकआउट आया उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग नीचे ही दी और नीचे आ गया। अब यहां पर क्या हुआ, ब्रेकआउट दे दिया और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग भी कर चुका है। एक राउंड नंबर है 100 का और कल इस पे एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, तो कल इसको भी आप लोग वॉच करके चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आता है L&T फाइनेंस होल्डिंग। L&T फाइनेंस होल्डिंग पे भी आप जैसे कि देख सकते हैं कि यह स्टॉक नीचे आया, एक रेंज के अंदर चला, रेंज के अंदर का ब्रेकआउट दे चुका था मंडे को, बट हम देखते थे जो कैंडल्स थी वो इनडिसाइसिव थी और आज के दिन उसका एक ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है बट तब भी एक ये मेजर रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख सकते थे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, जब वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया और जब नीचे आया तो यहां रीटेस्ट करा तो ये सपोर्ट बन गया और अब इस लेवल को भी ब्रेक करके अब दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो ये दोबारा अपने हाइज की तरफ जा सकता है, तो कल इसके ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। तो लेवल्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा और कुछ मुझे गाइस ऐसे चार्ट्स भी दिखते हैं जो रिकमेंड करने लायक होते हैं और बट वीडियो में अपलोड नहीं कर सकता ऐसे 5-5 मिनट पे, तो मैं वो क्या करता हूँ, वो चार्ट्स की जो डिटेल्स होती है कैसे बाय करना है क्या है वो मैं अपने ट्विटर हैंडल पे या फिर अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग मुझे वहां पर जाके भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे मैं डाल दूंगा इनका भी लिंक्स, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर भी आप लोग अपना सपोर्ट मुझे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है सन टीवी और ये मैं बहुत बार आप लोगों को रिकमेंड कर चुका हूं और आज उसका ब्रेकआउट आ चुका है तो हमारे लिए रिकमेंडेशन बन चुका है। ये देख सकते थे मैंने ये आप लोगों को बताया था, ये ब्रेकआउट आ चुका था और मैंने आपको ये ब्रेकआउट आया था रीटेस्ट आया था, मैंने इस कैंडल पे आप लोगों को एक बाय की सलाह दी थी और मैंने आपको बोला था बाय करेगा नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे टारगेट हमारे हिट कर गए थे, बट हुआ क्या था दोबारा नीचे आ गया था और मैंने आप लोगों को रिकमेंड करा था कि इस लेवल तक भी ये जा सकता है। सो अब इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है ग्रीन कैंडल पे, मैं आपको दिखाता हूं, ये देख सकते हैं ग्रीन कैंडल पे एक ब्रेकआउट की कैंडल आ चुकी है, 400 एक ग्राउंड नंबर है, सो कल हम एक बाय बना सकते हैं, कल एक अच्छा खासा मोमेंटम ये दिखा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक आता है टेक महिंद्रा।
सो लास्ट स्टॉक पे मुझे कंफ्यूजन थी, मैं सोच रहा था कि इसकी जगह एसबीआई को सिलेक्ट करूं क्योंकि उस पर भी ब्रेकआउट आया, बट ये ज्यादा मोमेंटम दे सकता है, एसबीआई का भरोसा नहीं है क्योंकि वो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ज्यादा चलेगा। सो मैंने ये रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया, एक वीशेप रिकवरी आई है। अब इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। अब मैंने ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों बताया, ये देख सकते हैं इस लेवल से एक सेलिंग आई ह्यूज, दोबारा ऊपर गया। अब हमने क्या देखा था ट्यूजडे को, एक इस लेवल से दोबारा सेलिंग आ गई थी। सो मतलब ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, बट आज के दिन उसने पूरी रिकवरी भी कर ली है। सो मतलब ये लेवल ब्रेक हो सकता है। सो जैसे 694 695 का लेवल ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी इसमें भी मोमेंटम आ सकती है। सो इसको भी हम लोग कल वॉच करके चल सकते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी पे मैंने आप लोगों को बताया था डिप में आए तो बाय करिएगा, या फिर 10,400 का लेवल ब्रेक हो तब बाय बनाइएगा। तो डिप में आया और डिप में हमें दोबारा एक बाइंग देखने को मिली और क्लोजिंग अच्छी लेवल पे हुई है। सो मुझे लगता है कि कल एक दोबारा डिप आ सकती है। तो जब भी आपको निफ्टी के अंदर अब डिप मिले तो एक्यूमुलेट करते रहिएगा और इवेंचुअली मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट दे देगा और 11,500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। सो सेलिंग के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, बाइंग के लिए ही है। सो कल अगर आपको एक्सपायरी पे कल निफ्टी नीचे ओपन होते हुए दिखता है तो भी बाय पोजिशन बना सकते हैं। प्राइस एक्शन को देखेगा आप क्या करेगा, 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लीजिएगा और देखिएगा कि अगर नीचे से एक रिकवरी आती है और ऐसे एक ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो आप लोग एक बाय पोजीशन इस पर बना सकते हैं। सेम एज बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे एक छोटा सा हर्डल है वो मैं दिखा देता हूं। या बैंक निफ्टी पे हर्डल क्या है, बैंक निफ्टी पे आप देख सकते हैं स्टॉक बैंक इंडेक्स नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया। अब ये पैटर्न को देख पा रहे हैं, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, उसके बाद स्टॉक दोबारा ऊपर गया, अब इस रेजिस्टेंस पे आ चुका है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे आ चुका है। अब ये रेजिस्टेंस है अराउंड 22,300 का लेवल, ये जैसे ही ब्रेक होगा कल एक्सपायरी में एक शार्प मूवमेंट आ सकती है तो इसका भी हम वेट कर सकते हैं, या फिर अगर कल ये डिप देता है तो डिप में भी हम लोग बाय करने के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि कल आप एक्सपायरी पे, कल के एक्सपायरी पे अगर आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना चाहते हैं तो मत लीजिएगा, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे ही ट्रेड लीजिएगा अगर आप लेना चाहते हैं, और वहां पर आपको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सो ये थी हमारी रिकमेंडेशन। अगर आप लोग टेलीग्राम, इंस्टा या ट्विटर पर हम लोगों को फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट पे मैंने डाल रखा है, आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स आते हैं तो मैं दोनों आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, स्विंग ट्रेड प्लस पोर्टफोलियो। सो देखते हैं कि आप लोग कितने लोग कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा कि आप लोग कितने लोग मोटिवेटेड है, कितने लोग आप लोग एक्साइटेड हो उस वीडियो के आने के लिए। सो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग नए हैं तो मैं इसी के साथ आप लोगों के लिए न्यू कंटेंट्स लेकर आता रहूंगा।